सोलन शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 6 में रह रहे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के समय यहां पर समय समय पर सैनिटाइजेशन की गई, लेकिन वर्तमान में यहां सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सफाई कर्मचारी भी केवल नाम के लिए आते हैं और यहाँ जगह जगह पड़ा कचरा ज्यों का त्यों ही पड़ा रहता है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि उनके वार्ड में रेगुलर सफाई करवाई जाए व सफाई कर्मचारियों को इसके संबंध में आदेश दिए जाएं। मेरा नाम रुचि शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 6 में रहती हूँ, चर्च वाली गली में रहती हूँ। और हमारे यहाँ कई दिनों से साफ सफाई का बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गली में जगह जगह कचरे का ढेर है, नालियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं, कोई भी साफ सफाई के लिए नहीं आ रहा है। पूरी तरह से हम सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ साफ़ सफाई हो, कुछ भी साफ़ सफाई के लिए गली में कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और जगह जगह जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, वो घूमते रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं, और पर सफाई के लिए कोई भी नहीं आता है। पर सैनिटाइज नहीं किया गया है। पिछले साल जब लॉकडाउन था तब यहाँ पर ज़रूर बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया गया था, पूरी गली को बार बार किया गया था, पर इस समय प्रशासन की तरफ से कोई भी सैनिटाइजेशन का कोई भी प्रोग्राम नहीं किया गया है। हर तरफ सिर्फ गंदगी का ही ढेर लगा रहता है और साफ़ सफाई नहीं की जाती। नहीं, झाड़ू मारने वाले नहीं आते हैं। मुझे लगता है कभी 15 दिन में एक बार झाड़ू मारने वाले आते होंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर झाड़ू वगैरह का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। जी नहीं, हमने अभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की है, पर हाँ सभी गली वाले बहुत अधिक परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गली साफ सुथरी रहे और सैनिटाइजेशन भी किया जाए। हम खुद ही नीचे दे आते हैं, पर हाँ वो रेगुलरली कूड़ा लेने वाले वो लोग आते हैं, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ जी, झाड़ू वाले जो मेन गंदगी, मक्खी मच्छर और गंदगी का भंडार लगा हुआ है पूरी गली में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।